हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो, अभी हमारे पास ब्रिजा है, ये 2023 मॉडल गाड़ी। और यहाँ पे जैसी आप देख पा रहे हो, एसी का कंट्रोल पैनल है ये, ऑटोमेटिक वाला। तो अगर आप यहाँ पे नए व्हीकल यूजर्स हो और आपको नहीं पता कि किस हिसाब से हमें एसी की सेटिंग करनी है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एसी ऑन कर देना है, इस तरीके से हमें यहाँ से एसी ऑन कर देना है। और यहाँ से हमारा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं हम इस तरीके से ऊपर करके, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा ठंड लग रही है तो हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा लेंगे इसका। जैसे ही नॉर्मली हम घर के एसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम टेम्परेचर बढ़ा के रख सकते हैं। तो हमारा जो एसी है उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमें चाहिए कूलिंग इसके अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री पे हमने यहाँ पे कर लिया है। और हमें चाहिए कि हमें पैरों में भी हवा चाहिए, तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। आपको पैरों में भी हवा आएगी और मुंह पे भी हवा आएगी। यहाँ पे साइन भी बना हुआ आ रहा है और यहाँ पे बना दिखा रहा है। तो आप इसी से आप पैरों में भी कर सकते हो। यहाँ से हमने अभी पैरों में कर दिया है। यहाँ से हमारे पैरों में हवा आएगी और जो विंडशील्ड है उसके ऊपर हवा जाएगी, जैसे आप साइन देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ। तो इसी तरीके से आप वो कर सकते हो पूरी सेटिंग। तो अभी हमारे सिर्फ फेस पे हमारी यहाँ पे आएगी, तो हमने वो सेटिंग यहाँ पे कर ली है। अगर चाहते हो कि हमारी यहाँ पे जो फ्रंट का शीशा है उस पे आएगी, और ये रियर की विंडशील्ड है, जैसे मॉइस्चर जमता है उसके अंदर बारिश के मौसम में, तो आपसे यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो हमारी जो है विंडशील्ड पर हमारी फ्रंट पर आ जाएगी, और यहाँ से रियर का है, तो यहाँ से दोनों तरफ ये जा रही है, फ्रंट की विंडशील्ड पर भी और रियर की विंडशील्ड पर भी, जिससे हमारे मॉइस्चर न जमे शीशे के ऊपर और हमें गाड़ी ड्राइव करते टाइम कोई प्रॉब्लम न हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे मोड कर सकते हैं, आप किस टाइप की एयर इसके अंदर चाहते हैं। आप अंदर के अंदर हवा घुमाना चाहते हैं, या आप जो बाहर की फ्रेश हवा है उसको अंदर लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं।